हेलो स्टूडेंट्स, तो कार्बन आयन के हमारे दूसरे रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखोगे कार्बन आयन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये लगभग हमारा इससे बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, और बहुत सारे मतलब कि जैसे मान लो कि कभी भी कन्वर्जन वगैरह यूज़ होता है तो वहाँ पर भी इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एज वेल एज अगर 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका बहुत सारा फॉर्म होता है। अभी एक नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब चूंकि आप लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, जीओसी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उन्हें जब हम डाइल्यूट बेस के रिस्पेक्ट में अगर हम ट्रीट कराते हैं तो होता क्या है कि वो फॉर्म करता है हमारा क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने क्या लिया, डाइल्यूट एल्केली या डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में लिया। तो जब ये लिया तो उसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पे इसका हमने कितना यूनिट लिया हुआ है, दो यूनिट ले रखा है। तो दो यूनिट इस कार्बोनाइल कंपाउंड का लिया, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब समझोगे ध्यान से, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड में इसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि एक तरह से देख लो तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और साथ में अल्कोहल भी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एल्डोल हम लोग बोलते हैं ना, एल्डोल, तो एल्डोल का बेसिकली यहाँ पे मतलब वही है एल्डिहाइड और प्लस यहाँ पे अल्कोहल से आया हुआ है। तो अल्कोहल का हमने ओ ले लिया, एल्डिहाइड का एल्डी ले लिया। ठीक है, तो ये इन जनरल हमने यहाँ पे मतलब कि कार्बोनाइल कंपाउंड के एल्डिहाइड से रिलेट किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही हो, अगर मान लेते कीटोन भी लोगे तो भी उसे हम एल्डोल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लो कि एल्डोल कंडेंसेशन में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डोल का मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट क्यों एल्डोल हो रहा है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का भी यूनिट है, या इन जनरल हम कह सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का भी यूनिट है और साथ ही साथ अल्कोहल का भी यूनिट है। याद रखोगे कि अल्कोहल हमेशा बीटा पोजिशन पर होगा, जैसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड बना इसका अल्फा पोजिशन और बीटा पोजिशन पर क्या होगा OH, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि एल्डोल प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से क्या है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जब इसे हम हिट करते हैं तो हिट करने के बाद क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकलता है, तो कौन सा, देखो OH तो दिख रहा है लेकिन कौन सा H को लेकर जाएगा, तो याद रखना हमेशा कि अगर ये OH है तो ये उस H को रिमूव करेगा जिस H के रिमूव करने पे कॉन्जुगेशन आ जाएगा। मतलब ये कि अगर ये पाई है सिग्मा तो कॉन्जुगेशन यहां पे आ सकता है। देखो H यहां भी अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है, लेकिन यहां के H को लेकर जाएगा अल्फा वाले कार्बन के H को, तो यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड अगर यहां पर आ गया तो देख रहे हो ना कॉन्जुगेशन आ गया पाई सिग्मा पाई, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो अल्फा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनाइल कंपाउंड इसको बोल रहे हैं। मतलब ये कि सबसे पहले हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराया, जब रिएक्शन कराते हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। अगर मान लो हीट मेंशन नहीं है तब आप ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनाओगे, ठीक है, लेकिन अगर हीट मेंशन है, ठीक है, तब उस केस में आप क्या करोगे वहाँ से वाटर को रिमूव करोगे। वाटर को रिमूव करने के लिए OH तो हमें दिख रहा है, उस H को रिमूव करोगे जिस H के रिमूवल पे कॉन्जुगेशन आ सके, ठीक है, और जिसके कारण इस कंपाउंड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कह सके। तो इस रिएक्शन को वही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि एल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे एल्डोल का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया कि एल्डोल का मतलब क्या है। उसी तरह से अगला ये है कि अगर मान लेते यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड का हमने दो यूनिट लिया, वो दोनों यूनिट तो सेम है, अगर सेम अगर कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हो तो वैसे रिएक्शन में हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ का मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट से ही तुम्हारा रिएक्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर मान लेते दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं तब वैसे रिएक्शन में हम रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेल्फ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस एल्डोल के बारे में बात करेंगे। अगला जो तुम्हारा है वो ये कि एल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन हमने पहले ही बता रखा है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा कार्बोनाइल कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब कहते हैं कि एल्डोल रिएक्शन को आप अप्रोच कैसे करोगे, यानी अभी जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो उस मैकेनिज्म का अप्रोच करने का तरीका यही चार स्टेप में है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, पहला स्टेप वन, जनरेट न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना,
कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसके अल्फा एच को हम रिमूव करेंगे, तो अल्फा एच को जब रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, तो वो जो तुम्हारा कार्बोनाइन बना होगा या न्यूक्लियोफाइल बना होगा वो अपने दूसरे यूनिट पे या दूसरे डिफरेंट यूनिट पे अटैक करेगा। तो अगला है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अगला है स्टेप 3 हाइड्रोलिसिस, और स्टेप 4 अगर मेंशन होगा हीट तो हीट करके वाटर निकालेंगे, अदरवाइज उसको उस स्टेप को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो यहां तक लिख लो, उसके बाद इसके मैकेनिज्म पे हम लोग बात करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है। यही रिएक्शन हमारा था, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। सबसे पहला स्टेप में क्या बोला जा रहा था, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो हमारा बेस होगा OH माइनस, वो क्या करेगा, यहाँ के H को लेकर जाएगा, तो यहाँ के एसिडिक H को लेकर चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया, तो ये कार्बन आयन फॉर्म कर गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप था, ये जो आपका बन रहा है कार्बन आयन, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, दूसरे यूनिट पे अटैक करेगा, तो आपका कार्बन आयन बन गया और ये दूसरे यूनिट पे अपना अटैक कर रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब ध्यान से देखो, CH2 जो है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, बाकी सारे बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। CH3CO- सी से एच जुड़ा हुआ रहेगा, और इससे क्या जुड़ रहा है, CH2COH, देखो हमने जोड़ दिया CH3CHO- ये रहने दिया, और फिर इससे क्या जुड़ रहा है, CH2 और फिर उसके बाद COH, ठीक है। अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ जो ओ पे माइनस होता है, ओ पे माइनस होगा तो इसके एच को लेकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस में ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन गया, एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब क्या कर रहे हैं, हीटिंग। ये फोर्थ स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, अगर होगा हीट तो आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही होगा। तो अब हीट दिया हुआ रहेगा, तो हम OH को रिमूव करेंगे और H को रिमूव करेंगे। ये हमने बता रखा है कि कौन से H को रिमूव करेगा, जिसके H के रिमूवल पे कॉन्जुगेशन आ सके। तो इसके H को रिमूव किया, तो यहाँ से OH, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कॉन्जुगेशन आ गया। देख लो इस पॉइंट पे कॉन्जुगेशन आ गया, तो क्या बन गया हमारा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, तो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स है, अगर मान लेते हैं कि जो बेस ले रहे हैं, अगर इस बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो गया, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर लो होगा तो समझना बात को, ये इस H को ले जाने में क्या करेगा, यहाँ पे इसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब ये जो अगला तीन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ये तीन स्टेप में तुम्हारा क्या होगा कि जो पहला स्टेप हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। ये कब स्लो होगा, जब इसका रेट, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी कम। तो अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा, तब उस केस में ये फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, RDS, वही तुम्हारा स्लो स्टेप हो जाएगा। उस केस में रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा और कार्बोनाइल कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। तो देखो रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू OH माइनस इंटू कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको इन जनरल लिख दिया, बेस इंटू कार्बोनाइल कंपाउंड, तो दोनों का पावर वन पे डिपेंड किया, तो ऑर्डर हो गया 2 मॉलिक्युलरिटी 2। तो ये तब का केस है जब आपका बेस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होगा। और उसी तरह से अगर मान लो बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो हाई है, तो उस केस में हम तुम्हारा क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप होगा, देखो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये तुरंत क्या किया, एच को लेकर चला गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप इस बार फास्ट हो जाएगा, लेकिन जो अगला स्टेप ये दिख रहा है ना, इसका अटैक अब इस बार क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कि बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एल्डोल का रिएक्शन। अगर हम लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेंगे तो जो रिमूवल ऑफ एच है वही हमारा क्या हो जाएगा, RDS। लेकिन अगर मान लेते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो हमारा जो तुम्हारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन ये कार्बन आयन पे डिपेंड कर रहा है और इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो ध्यान देना, एक तरह से हमारा इनोलेट आयन है, टॉटोमेरिज्म में पढ़ा था हमने, ये इनोलेट आयन हो गया और ये कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब इन दोनों पे डिपेंड हमारा करने लगेगा, ठीक है। अभी इस रेट एक्सप्रेशन को आगे जाकर और हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा जो रेट है, ठीक है, ये रेट का एक्सप्रेशन यहाँ हमने लिखा था। अब ध्यान दो, जो रेट का एक्सप्रेशन है उसमें जो हमारा मेन रिएक्शन था, इस मेन रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड और बेस। और जो हमारा रेट का एक्सप्रेशन उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड तो है, लेकिन ये वाला पोर्शन कहीं पर है ही नहीं, मतलब वो क्या इंटरमीडिएट है। तो हमें क्या करना क्या होगा, उस इंटरमीडिएट को उसके रेट के एक्सप्रेशन से हटाना होता है। जब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। तो चलो यहाँ पर मान लो एक थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख रहे हैं कि इसका इसके एक्सप्रेशन को क्या करना, हमें वहाँ से ओमिट करना है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड थे, ये पहला स्टेप फास्ट था और ये दूसरा स्टेप क्या जा रहा था, स्लो जा रहा था, यही हमारा RDS था। तो इसके बेसिस पे रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया, रेट के एक्सप्रेशन में क्या अपीयर हो गया हमारा, ये अपीयर हो गया, हमें इसको हटाना है। तो
तो इसके लिए हम पहला रिएक्शन में गए, पहला रिएक्शन फास्ट होगा तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये लिख दिया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ठीक है, इसका वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो उसको इक्वेशन वन मान लिए और इसके वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन वन में। तो ध्यान दो, के इक्विलिब्रियम इनटू दिस इनटू ओएच माइनस हो जाएगा और ये पहले से वहाँ पर एक यूनिट प्रेजेंट है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया इनटू ओएच माइनस का पावर वन, तो यानी कि अब ऑर्डर कितना हो गया थ्री। इससे क्या देख रहे हैं, अगर मान लो कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है तो उस वक्त ऑर्डर जो है हमारा रिएक्शन का एल्डोल का टू आ रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उस वक्त थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, इनकेस अगर मेंशन ना हो कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन जब मेंशन नहीं होगा तो ऑलवेज हम उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन मान के चलेंगे, उस केस में एल्डोल का रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो थ्री होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपको मेंशन करके पूछ रहा है कि एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एल्डोल रिएक्शन, देन ऑर्डर विल बी टू, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा जो RDS है वो फर्स्ट स्टेप ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसका काइनेटिक्स को रखोगे, फिर अब इससे रिलेटेड तुम्हारा कुछ सवाल करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। देखो हमने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे समझो ध्यान से, ये लिखा हुआ है OH माइनस A, देखो अगर दो यूनिट नहीं भी लिखा हुआ तो उसको मान के चलेंगे दो यूनिट, क्योंकि याद रखना कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर बेस से रिएक्शन दिया हुआ तो समझ लेना ये एल्डोल का रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता था हमारा CH2H C डबल बॉन्ड O CH3, और जो बेस होता था OH माइनस वो इस H को लेके जाता था, हमारा कार्बोनाइन बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद वो क्या करता था, इसके दूसरे यूनिट पर अटैक करता था, तो इसके दूसरे यूनिट पर अटैक किया इस तरह से। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया CH3C, देखो O माइनस बन गया और इससे क्या लगा हुआ CH3, और इससे क्या जुड़ गया CH2C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद इसका क्या करते थे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने के पे क्या बन जाएगा CH3C OH CH3 CH2, उसी तरह से C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर मान लो कि हीट दिया हुआ तो ये हमारा एप बन गया, उसी तरह से अगर इसको हीट किया हुआ है तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ के H निकल जाएगा, तो जब OH और H यहाँ से रिमूव कर जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड CH आ गया यहाँ पे और C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया B। उसी तरह से देखो यहाँ पर साइक्लिक रिंग का दिया हुआ, साइक्लिक रिंग का भी इसी तरह से एक्सप्रेशन करेंगे। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले OH माइनस होगा, वो क्या करेगा यहाँ के H को लेकर जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या बनेगा, कार्बनायन ही है। अब ये कार्बनायन क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, देखो अटैक किया डबल बॉन्ड O और ये खुल गया, तो अब क्या बन गया, देखो ध्यान से तुम्हारा सबसे पहले ये डबल बॉन्ड O और इससे अटैच हो गया, देखो इससे कौन अटैच हो रहा है, ये कार्बन, तो आपका ये कार्बन अटैच हो गया O माइनस। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा इसको क्या करते थे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O और ये हमारा फाइव मेंबर रिंग और यहाँ पे OH आ गया, और फिर उसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH बाहर और यहाँ से H बाहर, तो क्या आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपका A बन गया और ये आपका क्या बन गया, बी बन गया। उसी तरह से ये सिमिलर तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करोगे खुद से। ठीक है, तो हम लोग देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर को OH माइनस रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बन रहा है ए, और फिर ए को हीट करा रहे हैं तो बी बन रहा है। अब देखो ध्यान से, ग्रिग्नार्ड एजेंट है H3O+ और ग्रिग्नार्ड एजेंट CuCl के प्रेजेंस में है H3O+, तो देखो ध्यान से, ये हमारा फाइव मेंबर रिंग वाला प्रोडक्ट बना है तो यही ना ए बनेगा, तो देखो ये जो हमारा ए है उसको डायरेक्ट वहां लिख ले रहे हैं, तो ए हमारा जो प्रोडक्ट है और बी जो है, तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ए तो हमारा बन गया कुछ ये डबल बॉन्ड O ये, और बी हमारा कौन सा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये हमारा बन गया ए, हमारा बी क्या बन जा रहा है, तो बी बन जा रहा है कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड O यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जा रहा है ये। अच्छा ध्यान से देखो कि हमने पढ़ा था अभी तुरंत कि अगर मान लो CH3MgBr होगा तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए अगर मान लो इस बी को रिएक्ट करा रहे हैं CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या करेंगे, CH3 का अटैक इस पे करा देंगे, लेकिन अगर CH3MgBr CuCl से होगा, CH3MgBr अगर CuCl से होगा तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, CH3Cu+, और ये कहाँ अटैक करता है, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करता है। तो इस तरह से तुम्हारा ये आगे तुम्हारा प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से अप्रोच करोगे, देखोगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे।
तो इस तरह से सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग जो है क्रॉस एल्डोल की तरफ आगे बढ़ेंगे।